अंशु, सबसे पहले तो नए नए शो के साथ में आ रहे हैं, क्या क्या तैयारी कर रही हुई है इसके बारे में बताइए। तैयारी तो चालू है, मैं अभी नेक्स्ट वीक से शूट शुरू करूँगा एंड इट्स फन, इट्स समथिंग विच आई लव डूइंग, मेरे को मज़ा आता है करके। और अच्छा, कौन से कैमरे में लूँ? ठीक है, सो ये कुछ ऐसा है जो मुझे इंटरेस्ट आता है करने में, इट्स फन, इट्स एंगेजिंग। और बाकी लारा दत्ता है, एम एस जी हैं, डैना है जो इंटरनेशनली एक्लेम डांसर है, और फिर एक ऐसे क्रेजी बंदे का साथ है, तो इट वुड बी फन राइड यार, मज़ा आएगा। अच्छा, तो मैंने ऑलरेडी 4 एपिसोड शूट किए इसके और एकदम भाई बोलेगा तो फर्स्ट क्लास था, एकदम मज़ा है। मैं लारा का ड्राइवर बना हूँ इसमें और मैं ताई के साथ हमेशा जीत करता हूँ कि ताई मेरे को शूटिंग में लेके चलो, मेरे को शूटिंग में लेके जाओ, तो मैं ताई के एकदम बाजू में बैठता हूँ और पूरा A to Z ख्याल रखता हूँ उनका। तो मेरा काम है फुल एकदम कॉमेडी एलिमेंट लेके आना शो में, और बहुत कुछ है, आपको देखना पड़ेगा उसके लिए एक बार शो। और बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इतना लेवल का टैलेंट जो हमने देखा यहाँ पर शो पे, पूरे इंडिया से जो अपने एकदम कॉन्सेप्ट एकदम यूनिक है, एक तो पहली बार मतलब रिलेशनशिप पे पहली बार आ रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है करके। और यही कहूँगा कि आप लोग भी देखो, पता लगेगा क्या है। कुछ एक अंदाज हमने एवी में देखा जो कि बहुत ही क्या, आप कुछ हमें करके दिखाएंगे आप ऐसे कि? हाँ, मतलब ऐसा है कि मेरे को है ना, मैं ऐसा हूँ कि मैं लारा के पास काम करता हूँ एज ए ड्राइवर, और खान साहब के लिए मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट है, खान साहब को मैंने पहले से देखा था। मेरी पहले टाइगर बागी 3 में इसको लेंगे। हाँ, मेरे को लगता है बागी 3 में मेरे को लेंगे एज अ लीड स्पॉट बॉय, मतलब ऐसा मेरे को उम्मीद है। और मैं प्यार करता हूँ डैना से, मतलब मेरे को देख के ही प्यार हो गया, फर्स्ट टाइम जब मैंने उनको देखा सेट पे मेरे को प्यार हो गया। और उसके लिए मैंने छोटा सा कविता भी लिखा है, आपको सुनाओ, बहुत सही कविता है। कविता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अपुन को हो गया तेरे से प्यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हनीमून मनाएंगे इन अंडमान एंड निकोबार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बच्चे करेंगे ओनली 4, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, घर कहाँ लेगी बांद्रा या खार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तेरा प्यार प्यार हुक्का बार बार। बस ये कविता मैंने डैना के लिए लिखा है, तो मेरे को पता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरा भावना वहाँ तक पहुँचा रहेगा, तो वो मेरा ऐसा ही है। आपका कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? नहीं सोचा, जैसे मैंने बताया, हाँ सॉरी, लारा जी हाँ जी। तो शूटिंग वाइज अगर आप देखते हैं तो मेरा शूट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं ग्रैंड प्रीमियर से एंट्री करूँगा शो में एज अ होस्ट, तो वो अभी शुरू नहीं हुआ, नेक्स्ट वीक मैं शूट करने वाला हूँ। बाकी आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एक मन में एक एक्साइटमेंट है उस चीज़ को लेके कि इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट है शो अपने आप में। इंडियन टेलीविजन पे पहली बार है जहाँ पे एज कोई लिमिट नहीं है एक डांस शो के अंदर, डुएट्स में सब परफॉर्म करेंगे, मतलब जोड़ी में परफॉर्म करेंगे, और जोड़ी कोई भी हो सकती है। सो इंडिया का जो मेन एसेंस है, हम जो संस्कृति का जो सबसे ज़्यादा झंडा हमारा ऊपर जिस बात पे रहता है, वो यही है कि हमारे रिलेशन, हमारे रिश्ते सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं इंडिया के अंदर। सो पहला डांस रियलिटी शो है जहाँ पे रिश्तों पे उसकी नींव रखी गई है, सो दैट्स अ वंडरफुल पार्ट, जहाँ पे अलग अलग इक्वेशन, अलग अलग रिश्तों वाले लोग आकर डांस के थ्रू अपना रिलेशन एक्सप्रेस करेंगे, अपना डांस एक्सप्रेस करेंगे। सो लारा इज़ देयर टू सी दैट, अहमद जी हैं जो सब वो हैंडल करेंगे, वो ही लुक इन टू डांस एस्पेक्ट, और फिर हमारे पास डैना है जो इंटरनेशनल अक्लेम्ड डांसर है, कोरियोग्राफर है, सो वो वर्ल्ड लेवल का, ग्लोबल लेवल का एक्सपोजर और जजमेंट लेकर आएंगी। और फिर हम दोनों हैं, हम दोनों मस्ती करेंगे, आप लोगों को एंटरटेन करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे नहीं कि शो में सिर्फ डांस के बेस पे हम जज कर रहे हैं, उनका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो कितना उठ के आ रहा है और कितना वो बॉन्डिंग नज़र आ रही है, मतलब जैसा मैंने कहा भाई भाभी मम्मी बेटी, ऐसे फर्स्ट टाइम मैंने टेलीविजन में देखा है, तो उसके बेसिस भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि कैसे चल रहा है उनका पूरा जो रिलेशनशिप है, जो स्टेज पे कैसा दिखाई दे रहा है, तो उस पर भी सिलेक्शन हो रहा है। आप लोगों ने ये भी में देखा होगा, हाँ। जेठ और बहू भी आ रहे हैं, जो इंडिया के अपने नॉर्मल घरानों के अंदर एक अपने आप में शॉकिंग बात है कि अगर मैं राजस्थान की और भी स्टेट्स की बात करूँ, वहाँ पे तो पर्दा तक रखा जाता है, तो ये सब उन टैबूज को भी हटाने के लिए कि यार अगर आप एक फैमिली में हो तो बी लाइक अ फैमिली, इंस्टेड ऑफ आप पर्दे में छुप के रहो या कुछ जो गलत नॉर्म्स हैं उसके अंदर रहो। सो इट्स अ टैबू, इट्स अ आंसर टू ऑल दैट ऑल्सो अपने आप में, तो खूबसूरत है यार। और आई एम श्योर जो लोग देखेंगे, लेवल तो ए भी देख के पता चल ही रहा है, प्रोमो देख के पता चल ही रहा है, तो ट्रेलर अगर ऐसा है तो पिक्चर कैसी होगी? जी जी, मैं एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि होस्टिंग, वैसे मैंने अवार्ड शोज 2 होस्ट किए हैं, बट एक फुल फ्लेज्ड रियलिटी शो में पहली बार ही होस्ट कर रहा हूँ, तो दिस इज समथिंग जो मैंने पहले किया हुआ है, पर हाँ एक उसका जो इलैबोरेट फॉर्म है,
कि प्रॉपर 3 महीने के शो के फॉर्म में आ रहा है, वो नया है, तो उसके अंदर एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर है। और फिर एक ट्रस्ट वाली बात है कि सारे जितने भी लोग हैं जो प्रोडक्शन हाउस है, फ्रेम्स बना रहे हैं, एंड टीवी पे आ रहे हैं, तो सारे अपने आप में अपनी लीग के बेस्ट लोग हैं। तो जब आपको वो ट्रस्ट होता है और फिर जब पता हो कि कॉमेडी करने के लिए कितना फैंटास्टिक बंदा है आपके साथ में, तो किसी भी तरह की नर्वसनेस का स्कोप नहीं रह जाता, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सब कुछ इन प्लेस है, सब कुछ इतना ऑप्टिमम पे रखा हुआ है कि जब शो आएगा तो धमाल मचाएगा। पक्का 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 पक्का। थैंक यू, थैंक यू सर। Experience with High Fever Dance. Oh my gosh, so far the experience has been so amazing. This is an exceptional show. The talent is phenomenal. It's the relationships between the couples are amazing. It's just been an incredible experience. I've been like jaw dropped watching the dancers and just listening to the stories unfold. It's unlike anything I've ever seen. Okay, you're hosting the show, and how was the experience at all? I'm sorry, one more time? Tell us something about your experience with the show, hosting. About judging? Oh, yeah, you're judging. Yes, I'm a judge. So far, like I said, the experience has been unbelievable. I've been floored at every turn. The talent is amazing. Incredible dancers. I've so enjoyed working alongside the other judges, and I've really been enjoying transitioning to living here in India. But the show is incredible. It not only has amazing dancers, but also has really heartwarming stories about their relationships with their partners. And I'm so thrilled to be part of it. It's such a special experience, really. Okay, how was the experience with Ahmed and Laura? Ahmed and Laura have been amazing to me. They've just been so warm and welcoming, and they've really been so patient with me. They know I don't speak Hindi, so they've been helping me and teaching me and really just been so warm, and they're so successful in their careers. So it's so amazing to work alongside them. It's really humbling, and I appreciate and really love them both. Yes. You like Indian dance, Indian culture, Indian relationship? Yeah, it's been so cool to see. I've had some experience and some knowledge of Indian dance, but not as much as I've received since I've arrived. And watching Indian cultural dance is just so incredibly beautiful. And to see it executed here, it's like a whole nother level. And I have so much respect for it, and it's just so beautiful. And I've seen such cool relationships between the partners, things that we don't really get to see so much in the U.S., like a brother and sister-in-law who are very close, and it's just been really, really cool and just very special. Yes, and you speak Hindi? Because it's India, so you speak Hindi a little bit? I don't speak any Hindi. I'm just learning. I'm just very slowly learning. I'm going to have a tutor that's going to work with me an hour every day, and okay. I'm going to be working as hard as I can to learn Hindi, because I really want to hear everything that everyone's saying. But for now, I have a translator in my ear that's helping me to stay on track while everybody's speaking Hindi. Wow, great. That's it. Thank you. Thank you. You're welcome.
सर लेफ्ट सर सर लेफ्ट थोड़ा लेफ्ट सर अच्छा ओके लेफ्ट सर सही लेफ्ट या सेकंड थैंक यू सर हाँ चलिए चलो रोल है सर अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन सर बहुत कम रियलिटी शोज करते हैं आप रीज़न क्या है सर वेल मैंने बहुत पहले रियलिटी शोज करे थे एंड 15 साल पहले इनफैक्ट जब स्टार्ट हुआ था रियलिटी शो तो मैंने तब बहुत किए थे जी के साथ ही एंड फिर आई शुड डू ओनली लिटिल मास्टर्स काफ़ी सीजन्स किए एंड पिछले 4 साल से आई हैव नॉट डन रियलिटी बिकॉज कोई कॉन्सेप्ट मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करता था दो इज टू बी ऑफर्स एवरी ईयर बट ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा लगा विच इज़ डिफरेंट एंड कुछ नया होगा क्योंकि मैं खुद बोर हो जाता हूँ जज करते हुए ऐसे रियलिटी शोज तो ऑडियंस कितना एक फटीक में आ गई होगी आई नो दैट डांस डांस जो चैनल चालू हो रहा डांस ही हो रहा है गाना ही हो रहा है सो दिस चैनल दिस चैनल के अभी न्यू कॉन्सेप्ट मैंने कहा करते हैं ओके इतने सारे बेस्ट थिंग अबाउट हाई फीवर मतलब क्या इसकी यूएसपी है और क्या लोगों को अलग देखने वाले हैं वही हाई फीवर का ये है कि वाकई में फीवर देगा बिकॉज मुझे कहा गया था कि इसमें जोड़ियाँ हैं तो ऐसे जोड़ियाँ कैसी होंगी देन दे सेड जोड़ियाँ वो हैं जो आमतौर पे लोगों को जोड़ियाँ नहीं लगती तो मैंने कहा मतलब एक मिसाल दो तो उन्होंने कहा कि इस शो में एक ननंद और भावच की जोड़ी होगी तो वो जोड़ी नहीं हो सकती है ननंद और भावच कभी साथ में एक किचन एक बेडरूम एक घर में तो क्या कहीं दिख नहीं सकते ये डांस कैसे करेंगे तो मैंने कहा कि ये मुझे देखना है आई एम अ लिटिल क्यूरियस टू नो दूसरी होगी जेट और बहू की जेट और बहू डांस कैसे करेंगे ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ ससुर फादर फिगर तो ऐसे ये भी मुझे देखना है और ऐसे करते करते इतने सारे जोड़ियाँ दिखी और फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि डांस डजेंट मीन कि खाली आप खुश हो तो डांस करो या टॉप फिनाले में आने के लिए डांस करो अवार्ड जीतने के लिए डांस करो डांस एक ज़िंदगी में ऐसा एक रोल कर सकता है एक सीमेंट का रोल कर सकता है जो ईंटें और रेती को जॉइन कर सकता है जो दो ऐसे रिश्तों को मिला सकता है विच इज़ एक्चुअली नॉट अ करेक्ट रिश्ता तो डांस ने इन जोड़ियों को मिलाई है तो इट हैज़ प्लेड अ रोल ऑफ अ सीमेंट तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड प्राउड आई सेड ये शो है जो करना चाहिए सर शायरा मैम के अलावा आपको क्या लगता है कि आपकी जोड़ी कहाँ और बेहतर नहीं शायरा के साथ कुछ और हो ही नहीं सकता बिकॉज शायरा इज़ माई वाइफ हाँ और दूसरी जोड़ी कह सकते हैं कि मैं और फिल्म मेकिंग मैं और कोरियोग्राफी आज मुझे 27 साल हो गए इन कोरियोग्राफी लाइन तो लगता है कि डांस मेरे साथ बड़ा हुआ है और मैं डांस के साथ बड़ा हुआ एंड जब मैं डांस करता हूँ इतना कह सकता हूँ कि जो मैं जब डांस करता हूँ किसी शादी फंक्शन या पार्टी या किसी जगह पे तो एक ही वक्त मुझे लगता है जो मैं डांस कर रहा हूँ बिना किसी रीज़न के बिना मतलब जहाँ पैसों के लिए नहीं जहाँ अवार्ड नेम्स फेम ग्लैमर पॉपुलैरिटी के लिए नहीं वो लगता है जब मैं अपनी वाइफ शायरा के साथ डांस करता हूँ क्योंकि हम जब नाचते हैं तो मुझे सिर्फ एक पायस फीलिंग आती है और एक लगता है कि वाकई में अंदर से खुशी होती है एकदम कि आई एम डांसिंग विद अ पर्सन हु हैज़ गॉट नथिंग डू विद माई प्रोफेशन एंड वी बोथ आर डांसिंग विच इज़ माई प्रोफेशन सो वो बहुत मुझे अच्छा लगता है मेरा डांस था
हाँ सर, खुद खुद आप इतने क्रिएटिव हैं, तो आपके सजेशंस कुछ हाई फीवर को आपने दिए हो कि इसको ऐसे शूट करते हैं या फिर कुछ इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, कुछ ऐसा मैं जब मिला हाई फीवर के क्रिएटिव से तो ये कॉन्सेप्ट ही मुझे इतना झटका लगा, तो आई सेड कि आगे देखते हैं लोग क्या करने वाले हैं। मेरा एक ही था कंसर्न कि भले स्टोरी या रिलेशन जो भी हो, ये अलग टाइप का रियलिटी शो है, बट इतना देखना ज़रूर कि टैलेंट सही हो, दे शुड डांस। ये नहीं कि रिलेशन है तो आ गए हैं और कुछ भी हो रहा है, बट व्हेन आई सॉ देम डांस मैं बोला बाप रे बाप, ये वाकई में लोगों को मज़ा आएगा एंड एवरीबॉडी विल फील यार टैलेंट के साथ हम एक ऐसी जोड़ी देख रहे हैं जिससे हम सब हिंदुस्तानियों को सबक लेना चाहिए, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा लारा जी के साथ लारा इज़ अ वेरी स्वीट लेडी, शी इज़ वेरी ग्रेसफुल, और मैंने लारा के साथ काम किया हूँ पहले, ज़्यादा काम नहीं हुआ हम लोग का, बट आई वर्क विद हर थोड़ी फिल्मों में, एंड उनकी और मेरी जोड़ी अच्छी जम जाती है बिकॉज ये उनका पहला शो है। शी इज़ क्वाइट इग्नोरेंट अबाउट रियलिटी शोज़, बट जब साथ में बैठे थे तो वो अच्छी तरह से कोप अप करके वो समझ चुकी थी, बिकॉज रियलिटी शो का गेम ही अलग होता है, यू हैव टू लुक एट देम एंड बी वेरी ट्रू जो आपके दिल में है, बट एट द सेम टाइम राइट। दूसरी बात यह है कि लारा इज़ हीरोइन और मैं कोरियोग्राफर हूँ और सामने डांस हो रहा है, तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि मैं कैसे कमेंट्स दे सकूँ जब मेरे सामने कोरियोग्राफर बैठे हैं या गुदाना बैठी है, बट वो जो कहती है वो रिश्तों की बात कहती है, वो दिल की बात कहती है, वो ये कहती है कि समझ में आया नहीं समझ में आया, और मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स से फिर खेलता हूँ, तो उस तरह से नहीं। ओके, साथ ही साथ में बागी के ट्रेलर को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, गाने भी बहुत ज़्यादा उसके पॉपुलर हो रहे हैं, सो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वेल, अच्छा लग रहा है आप लोग को बागी का ट्रेलर? चलो चलो, डैम गुड। वही देखिए कि गाने, आज एक और गाना रिलीज़ हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक गाना है, तो लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा है, एंड दैट रियली मुझे बहुत खुशी हुई बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की, मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है, और हमने एक्शन को एक लेवल में ले जाने की सोची थी, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड इट्स लुकिंग नाइस, एंड ऑडियंस को वाकई में लग रहा है कि इस फिल्म का एक्शन इज़ ऑफ वन लेवल, बट मैं इतना ज़रूर ठोक के कहूँगा कि जो एक्शन ट्रेलर में देखे हैं दैट इज़ 25%, सो जो फिल्म में देखेंगे वो वाकई में लगेगा कि हाँ ट्रेलर ट्रेलर था और फिल्म फिल्म है। ऑफकोर्स यस, बागी थ्री अनाउंसमेंट रिलीज के पहले, तो क्या ट्रेलर के रिलीज के पहले हो गई, एंड फ्रॉम अ प्रोड्यूसर लाइक साजिद नडियाडवाला हु इज़ द नंबर वन प्रोड्यूसर आई कैन से इन बॉलीवुड, तो उनका कॉन्फिडेंस हम पे, मुझ पे और टाइगर पे इतना देख के वी वर ओवरवेल्म्ड, एंड ऑफकोर्स उन्होंने ये कहा कि देखो टू में तुम लोग ने इस लेवल पे एक्शन ले गए हो, अब ये सोचो थ्री मैंने पहले अनाउंस कर दिया है तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब तुमने सोचा कि ट्रेलर से बड़ी फिल्म है, अब सोचो बागी टू ट्रेलर है और बागी थ्री, तो तुम लोग को एक्शन उस लेवल पे ले जाना है, तो तैयारी अभी से शुरू है टू क्रिएट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड नाइस फॉर द ऑडियंस इन बागी थ्री, एंड आई थिंक सो वी विल कम विक्टोरियस बिकॉज ऑडियंस का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है हमें ओनली फ्रॉम ट्रेलर, अब फिल्म गॉड नोज क्या है एंड आई होप दे कम एंड वॉच इट। एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कई साल में लोग कोरियोग्राफ करते हैं, कई सारे मैन में एक्टर आते हैं, तो किसे मानते हैं कि ये बहुत ही अच्छा डांस कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा एक्शन कर रहे हैं, जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से लोग कर रहे हैं? देखो फिलहाल तो जैसे कि मैंने अभी पिछले 8-9 महीने एक साल से ज़्यादा कोरियोग्राफी की नहीं है, एंड एज अ कोरियोग्राफर और एज अ डायरेक्टर और जिसे शूट करना है जो लड़का अच्छा लगे, मुझे इस वक्त तो टाइगर श्रॉफ ही दिखता है बिकॉज डांस कहने का करने का हो ही इज़ रेडी, एक्शन आउट ऑफ मतलब लिमिट के बाहर एक्शन, कभी भी कहो टाइगर बेयर बॉडी शॉट है वो 5 मिनट में रेडी है बिकॉज इज ऑलवेज फिट, ये नहीं कि सर मुझे 10 दिन दो वाटर रिटेंशन है, खाना कम करूँगा डाइट करूँगा, ही इज़ एवर रेडी, लुक वाइज ही इज चेंज्ड, एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा आप लोगों ने टाइगर श्रॉफ में, मैंने कहा टाइगर बाल कटाने रेडी हो गया, कौन सा हीरो खड़ा होता है बाल कटाने, तो ही इज़ एन एक्टर हु इज़ अ कम्प्लीट एक्टर, एक हीरो है, तो चाहे आप गाने कर लो एक्शन कर लो कुछ भी कर लो ही इज़ रेडी, तो फिलहाल आई थिंक सो टाइगर श्रॉफ इज़ अ बॉय हु इज़ एक्चुअली कम्प्लीट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, एंड ऑफकोर्स वरुण धवन है, रणवीर सिंह है, दीज आर द बॉयज़ हु आर लाइक ड्रेडिंग टू गो, एंड उनको सही चीज़ें मिले और मिल रही हैं, वो लोग प्रूव कर रहे हैं।
सी ये अलग स्कोप है, अलग लाइन है, और इसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, यू नो, हु आर प्रॉपर टीचर्स. हम उन लोग जब वहाँ से आते हैं बॉलीवुड में, तब हमें उन हम कहते हैं इंस्टीट्यूट बॉलीवुड है हमारा, एंड हम उन्हें यहाँ ट्रेन करते हैं कि फिल्म में कैसा नाचना, कैमरा को कैसा देखना, लाइट कौन सी करेक्ट पकड़ना, हीरोइन को कैसा देखना, कैमरा क्लोजअप है तो कम डांस करना, वाइड है तो ज़्यादा करना, हाथ के शॉट है, पैर के शॉट है, तो वी ट्रेन देम इन बॉलीवुड. तो मेरे ख्याल से दैट्स एन इंस्टीट्यूट बाई इट सेल्फ. तो आई थिंक सो वी आर डूइंग दैट ओनली. प्लेजर प्लेजर प्लेजर. Coordinated us like this, black white, black and white. कैसे हो ही गया? हो गया क्या? कृपा, थोड़ा सा आगे कर ले, सर थोड़ा सा इधर. मेरा हाई फीवर, हम आपको हाई फीवर चढ़ाने वाले हैं. हाँ बिल्कुल, इस शो के दौरान. हाँ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि ये हम पहली बार देख रहे हैं. बिल्कुल, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी नर्वस भी हूँ. हमें जज बनाया गया है, ये एक भारी जिम्मेदारी है स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि अहमद ऑफ कोर्स डांस के मतलब यू नो बाप हैं, तो टेक्निकली सब जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पता है. तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ये टेक्निकल मास्टर है तो मैं इमोशनल कोशेंट हूँ इस शो की. शूटिंग के दौरान कुछ आपने प्रैंक्स किए हो या फिर मस्ती में माहौल रहा हो, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो हम नहीं जानते वाइल शूटिंग हुआ? ओह यस, मस्ती का माहौल तो ऐसा रहा है कि जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हैं, वी हैव बीन फीलिंग दैट क्या होता है व्हेन यू डू ऑडिशन राउंड्स ना, तो काफ़ी मस्ती हो जाती है, बिकॉज ऐसे ऐसे आते हैं, अतरंगी किस्म के डांसर्स भी आते हैं, एंड देन उनको प्यार से बोलना पड़ता है कि आप अच्छे नहीं हो, और वो नहीं मानते हैं, फिर बोलना पड़ता है गेट आउट. तो लारा के लिए बहुत नया था वो, एंड शी यूज़ टू फील वेरी वियर्ड. अगर इनका बस चले तो ये सबको ले लें, हमको 11 कपल्स चाहिए तो ये चाहिए तो 1100 कपल्स रख ले, नहीं नहीं इसको मत जाने दो, बुरा लग रहा है, इसको बुरा लगेगा. ज़्यादा बिनती मैं कर रही थी, नहीं मत जाने दो. मैं नहीं बोल पाऊँगी क्यों ऐसा. तो प्रैंक तो बाजू में ही चलता था, मैं बार बार लारा का मुंह देखता था कि व्हाट इज शी फीलिंग, एंड शी यूज़ टू से यार मैं इसको कैसा, हम लोग कैसा मना करें, प्लीज़ इसको रख लेते. तो शी इज़ वेरी व्हाट शी सेड इज प्लेइंग द इमोशनल क्वेश्चन. आई थिंक मेरे लिए मुश्किल से ज़्यादा मज़ेदार था, क्योंकि पहली बार मुझे मौका मिल रहा है, एक तो टेलीविज़न GEC चैनल पे आना, दूसरी चीज़ ये है कि नॉर्मली जितने सारे जो पब्लिक रहती है वो मुझे एक यू नो फिल्मों में देखा है कैरेक्टर्स प्ले करते हुए, तो बहुत सारे लोग आकर कहते हैं कि हमें वो फिल्म में आपका वो किरदार याद है, वो बहुत अच्छा था. लेकिन पहली बार उनको लारा जो है वो मिल रही है स्क्रीन पे, नॉर्मल जो मैं हूँ, जैसे हूँ वैसे ही. एंड आई थिंक इन जैसे अहमद ने कहा, जो जोड़ियाँ आ रही हैं इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके स्टोरीज़ बहुत ही अनोखे जोड़ियाँ हैं, तो उनके क्या स्टोरीज़ है, कैसे आए कहाँ, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या कहना चाहते हैं अपने जोड़ी के थ्रू और अपने डांस के थ्रू, ये सब चीज़ जानना और पहचानना मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प रहा है. सो आई रियली हैव टू से दैट जितना हमने अभी तक शूट किया है मैंने बहुत इन्जॉय किया है.
हाँ, मेरे लिए इमोशनली ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हमारे शो पे दादाजी से लेकर पोता आ रहे हैं, यू नो, तो वो सारे एज ग्रुप्स आ रहे हैं, तो बच्चों को स्पेशली बोलना कि नहीं आप आगे राउंड में नहीं जाओगे या आप आगे नहीं बढ़ सकते, वो मेरे लिए मुश्किल है. और जैसे मैंने कहा, मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ, तो अगर उनकी इमोशनल स्टोरी में आप बह गए तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि वो इमोशनल स्टोरी में आप ज़्यादा घुस जाते हैं और डांस में थोड़ा सा, मतलब आप यू नो लीनियंट बन जाते हैं. तो ये सब चीज़ें में ध्यान में रखना और सही डिसीजन लेना वो मुश्किल है. हुआ है एक दो बार, दो तीन बार हुआ है. मैं बहुत चोक हो गया था एंड मैं अपनी आंखें नीचे कर लेता था. इट लुक्स वेरी बैड व्हेन यू क्राई. ये दोनों अच्छे से रोते थे और मैं इधर देख रहा हूँ, ऐसे आया कर रहा हूँ, कान में लोग बोल रहे सर ऊपर देखो, सर ऊपर देखो. तो दो तीन मोमेंट हुए और मैंने एक लड़के को बहुत डांट भी दिया था बिकॉज ही वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग. एंड वो एक इमोशनल मोमेंट था. एंड इस शो में जैसे लारा ने कहा कि यू हैव एज ग्रुप्स, तो बच्चे भी ज्वाइन करेंगे, लेडीज़ भी ज्वाइन करेंगी, मर्द भी ज्वाइन करेंगे और फैमिली भी ज्वाइन करेगी. बहुत अनोखा कॉन्सेप्ट है. इट्स नॉट हैविंग डांस फॉर सम रीज़न, इट इज़ नॉट डांस फॉर विनिंग एन अवार्ड या डांस करके मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा. ये डांस एक वो रोल कर रहा है जो जोड़ियों को जुड़ा रहा है, और ऐसी जोड़ियाँ जो आमतौर पर हिंदुस्तानी घरों में नहीं जुड़ती हैं, ननंद भावज, जेठ बहू, ससुर और बहू, दो जिगरी भाई जो लड़ते ही रहते हैं हर चीज़ में, बट डांस के माध्यम से वो लोग एक हो जाते हैं और कई चीज़ों से मुतासर हो जाएंगे. आप गुरु शिष्य, एक गुरु जिसके शिष्य 11 साल से सीख रही है और उसको शो में आना था तो गुरु ने सब छोड़ के शिष्य के साथ आ गया. एक शिष्य जो 8 साल का और गुरु 25 साल का है और वो शिष्य गुरु को सिखा रहा है. तो बहुत ही अलग किस्म के, बहुत ही मुख्तलिफ ख्यालत के लोग जुड़ के इस शो में आ रहे हैं डांस के माध्यम से. नहीं, ऑफ कोर्स, आई थिंक ये ड्रामा जो क्रिएट किया जा रहा है वो ऐसे फिजूल की ड्रामा नहीं है कि वो रियलिटी टेलीविजन है. तो अभी वो ज़माना आई थिंक रियलिटी टेलीविजन में से भी गया है, तो लोग जो हैं, जो इमोशंस रहते हैं वो काफ़ी रियल रहते हैं. और ऐसे एक्चुअली ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम सब के लाइफ में काफ़ी कुछ ड्रामा है. अगर जाए देखें तो सबकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ ड्रामा है, तो उसे यू नो कुकअप करके क्रिएट करने की ज़रूरत है नहीं. और जैसे अहमद ने कहा कि ऐसे इतने अलग किस्म के रिलेशनशिप्स आ रहे हैं जो बहुत ही अनोखे हैं, इंडिया सेंट्रिक हैं. और हम कह रहे हैं कि वो अपने रिलेशनशिप के थ्रू क्या कहना चाह रहे हैं. जैसे हमारे शो पे जो जेठ और बहू है वो एक मिसाल बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर से एक प्री कंसीव्ड नोशन है हमारे दिमाग में कि जेठ है, बहू है, तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. तो वो सब चीज़ें तोड़ कर, जो अपने वो नोशंस रहते हैं वो सब तोड़ कर ये दोनों आए हैं इस मंच पे. एंड इट्स अमेजिंग टू सी दैट. हमें भी बहुत कुछ सीखने मिल रहा है इनसे. एंड या इट्स फन. और हमें एक छोटा अहमद भी मिल गया है इस शो के दौरान. हाँ, एक थोड़ा सा उनका ट्विन, सिर्फ कुछ कितने आई थिंक कितने साल का है वो, 10 साल का है ना, लिखित. हाँ, लिखित. ओके, मैं जानना चाहूँगी जैसे कि इसमें दो फन एलिमेंट भी हैं, आपके जो दोनों होस्ट हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी नितीश भी काफ़ी कॉमेडियन है और वो मुझे लगता है जैसे आपने इमोशनल की बात की तो वो भी फन एलिमेंट तो ले ही आते होंगे. तो उन दोनों के आप क्या लगता है कितने अच्छे होस्ट हैं वो? नितीश और मेरे बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप की जब बात कर रहे हैं हम लोग, नितीश मेरा ड्राइवर है और आई थिंक इट्स ग्रेट. आई थिंक जो शो में नॉर्मली जितना कभी कभी सीरियस भी हो सकता है, क्योंकि आप इतने सारी चीज़ें के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एंटरटेनमेंट एलिमेंट लाना बहुत ज़रूरी है. एंड दे आर बोथ फैंटास्टिक, यू नो, दे रियली ब्रिंग दैट टोटल चेंज ओवर इन द मूड ऑफ अ शो विच इज़ नीडेड. ओके अहमद सर, जब आप किसी कंटेस्टेंट को सपोर्ट करते हैं और आपके व्यूज आपके को जजेस से नहीं मिलते तो आप उनको कैसे समझाते हैं? हथौड़ा मार के समझाते हैं. नहीं, इसमें तो वो हम लोग की ज़्यादातर अनबन होती नहीं है बिकॉज लारा इज सपोर्टिंग द इमोशनल क्वेश्चन और मैं देख रहा हूँ वो हार्ड कोर डांस. तो वो हेलो आ गई है एक और हमारी एक और जज आ गई हैं. इनसे आप जो भी तरीके से हिंदी में बात कर सकते हो, मराठी, गुजराती, पंजाबी, मलयाली, तमिल में तो बहुत अच्छा बात करती है.
तो आप इनसे जो चाहिए हर लैंग्वेज में पूछ लो, इंग्लिश छोड़ के. ओके सो आप व्हाट वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस बिकॉज़ व्हाट एवर ही सेड राइट नाउ, आपको क्या लगता है व्हाट डिड ही से राइट नाउ? I'm not quite sure what he said, but knowing Ahmed, it was something very nice and charismatic, but I have no idea what he actually said. Probably said, be nice to her. She only speaks English. एकदम उल्टा बोली. करेक्ट. अहमद जी कोई हिंदी डायलॉग सिखाना चाहेंगे आप? ये इन्होंने बहुत बोली है. बहुत से बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. एंड से फाड़ू फाड़ू परफॉर्मेंस. What? फाड़ू परफॉर्मेंस. फाड़ू परफॉर्मेंस. स्टेज तोड़ दिया. स्टेज तोड़. That one, I kind of know. Stage toad, I kind of know. One dancer dance badly, say whatle. Whatle? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बिकॉज नर्वस भी हूँ शो को लेकर. तो बहुत ही खुश हूँ, चार साल बाद आई एम एक्चुअली जजिंग अ रियलिटी शो. ऑफ लिया था थोड़े दिन के लिए एंड व्हेन गॉट टू नो अ गुड कॉन्सेप्ट वो किया है. एंड रही बागी टू की पीपल आर लाइकिंग द सॉन्ग्स एंड द ट्रेलर, आप लोग को अच्छा लगा ट्रेलर? चलो चलो डैम गुड. तो बस फाड़ू इज़ इट. ओके अहमद सर, क्योंकि ऑडियंस के लिए एक नया सब्जेक्ट है, तरह तरह की जोड़ी जा रही है, कोई एक जोड़ी जो मिस हो गई हो, एक तरह की जोड़ी जो ना आ पाई हो शो में, क्या जोड़ी रही? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं एक्चुअली. व्हाट मिस हुआ इज बिकॉज ऑफ अस, एवरीबॉडी हैड कम. हम लोग बड़े शॉक थे खाली, है ना? लेकिन वो चूज करना मुश्किल हो गया, तो जो आगे जा रहे हैं. हाँ, वो तो वी हैड टू बी वेरी केयरफुल. ऐसा कोई मिस नहीं हुआ है, बट हर किस्म की जोड़ी आई है. एंड सरप्राइजिंगली इसमें सिर्फ जोड़ी नहीं, इसे ड्रामा कहा, जोड़ियों में ड्रामा है. द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जोड़ी इज ड्रामा, बट टैलेंट इज आउटस्टैंडिंग. नहीं तो हम लोग नहीं लेते. आउटस्टैंडिंग टैलेंट एंड आई थिंक सो they are doing a great job. थोड़ा बहुत बैलेंस करना पड़ता है, लेकिन अभी तो फिलहाल मौका है कि टीवी करें. टीवी काफ़ी मुश्किल है फिल्मों से, या क्योंकि मैं अभी कह रही थी कि फिल्मों में फ़र्क इतना है कि आप सेम अमाउंट ऑफ आवर्स वर्क करते हैं, लेकिन आप ज़्यादा वक्त वैन में बिताते हैं क्योंकि शॉर्ट सेटअप हो रहा है. यहाँ पे वैन वापस आने में बहुत मतलब आपको मिलता ही नहीं मौका. सो दैट्स द बिग डिफरेंस इन बिटवीन फिल्म एंड टेलीविजन. लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे मैंने कहा इन्जॉय कर रहे हैं. तो व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट अहमद सर के जो आपने जाना हो हाई फीवर के दौरान, ये क्वालिटीज़ भी हैं इनके? मैं अहमद को काफ़ी सालों से जानती हूँ, उन्होंने मुझे काफ़ी नचाया है अपने टूम्स पे एज अ कोरियोग्राफर व्हाइल आई वाज एन एक्टर. बट आई थिंक सबसे मेरे लिए फ़िलहाल इस शो पे अहमद एक बहुत ही सही जज है. जैसे आप पूछ रहे थे कि आपने ऐसा हो कि आप इमोशनल हो गए, तो अहमद ने वही इंसान के साथ उसके स्टोरी पे अहमद के आंखों में नमी आए, आंसू आए, और उन्होंने उन्हीं को डांटा. और जो डांटा, बाप रे, हम दोनों ऐसे एकदम चुप हो गए कि तो बहुत सही जज है और इस शो के लिए एकदम सही चॉइस है. ओके अहमद सर, कुछ कुछ डांसर्स ऐसे होते हैं जिनको सही सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, लेकिन उनमें वो काबिलियत होती है, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो तो हमेशा हिंदुस्तान का रोना ही रहा है हमारा, कि जहाँ पर एक अच्छा टैलेंट दिखा है और स्पेशली डांस को लेके, लाइक लारा मिस यूनिवर्स बनी है, फैशन को लेके और फिर क्रिकेटर्स को लेके, वो दबाया ही गया है और वहीं से उभरा है हीरा, वहीं से उभरे हैं मिस यूनिवर्स, वहीं से उभरे हैं सचिन तेंदुलकर, वहीं से उभरे हैं अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर्स डांसर्स. तो हमारे शो में ऐसे कई लोग हैं, एक जो गुरु और शिष्य हैं, वो लोग घास में गार्डन में प्रैक्टिस करते हैं और रोज़ उन्हें मार पड़ती है और पुलिस में कंप्लेन दिया जाता है कि ये चोर है, और उनका डांस देखोगे, दे आर डांसिंग बेटर देन वर्ल्ड में किसी से अच्छा. कंटेम्प्ररी करते हैं, बैले करते हैं, कंटॉशंस करते हैं, दे डू एवरी सॉर्ट ऑफ एक्रोबेशियाज, हर चीज़ उन्होंने घास में कैसा सीखा होगा स्पिन. तो आप पहली बार कहा कि जब वो ऑडिशन के लिए आए थे, तो मिरर मिला, उनको पहली बार एक फ्लोर और एक मिरर मिला है, तो उन्होंने कहा कि हमें, हम पहली बार अपने आप को मिरर में देख करके परफॉर्म कर रहे हैं, हमें हमारे पास पहले वो व्यवस्था थी ही नहीं सीखने के लिए भी. तो यू कैन इमेजिन अगर उतना लेवल लेके आए थे विदाउट एनीथिंग, तो जब उनको फैसिलिटीज मिले तो कैसे परफॉर्म करेंगे? ओके अहमद सर, क्योंकि डांस में तरह तरह की चीज़ें इन्वेंट हो रही है, कोई एक ऐसी चीज़ जो अब तक रह गई है, लोग नहीं समझ पा रहे उस डांस को लेकर? हाँ नहीं, ऐसे तो कुछ बचा नहीं. रियलिटी शो ने काफ़ी हद तक सबकी चीज़ें क्लियर कर दी हैं. एंड व्हाट आई लाइक इज़ पीपल आर रेडी टू अंडरस्टैंड. पहले हम रियलिटी शोज़ में
कुछ कहते थे कि ये स्टेप का नाम ये है, दिस इज़ दिस, तो हमको कहा जाता था कि पब्लिक नहीं समझेगी. आज आम ऑडियंस समझती है. आई हैव गॉट मेल्स दैट पीपल आर सेइंग व्हाई डोंट यू, आप करेक्ट हमको सिखाते क्यों नहीं हो, इस डांस का नाम क्या है, उस डांस का नाम क्या है. लाइक देर आर स्टेप्स लाइक यू नो विच आर गिवन नेम्स बाई द ईयर इट वॉज मेड. तो हर स्टेप का एक नाम होता है. तो मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि आई विल टीच द ऑडियंस के हर स्टेप का नाम क्या है. And that's how we are taking it further ahead. And actually, I think it's a good question for Dana to ask. I'm going to turn the reporter and ask Dana a question. To just say, Dana, of what you've seen on this show, is there any dance form that you haven't seen performed so far of what we've seen on the show? Anything that you haven't seen performed or you think is missing? Really, it's such a wide variety of styles, people incorporating everything from hip-hop to contemporary to classical Indian dancing. I didn't feel that we were missing anything. Yeah. I felt like every time someone took the stage, they were doing something new and a little bit different, and it was just really exciting. And I think one thing we haven't seen is tap, but tap's hard. Yeah. There's not a lot of tap. Yeah. But that might be the one thing we haven't because seen. Because tap, you need to create your own music. Yeah. So we cannot do tap, yeah. No tap. But that's it. That's the only thing. Everything else is there. You're going to find it. Okay, that was the last question. पूरा बॉलीवुड से आपको फॉलो करता है डांस को लेके. वो कौन शख्स है जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसके आप मुरीद हैं? मुरीद तो वैसे मैं अपने गुरु का रह चुका हूँ, सरोज खान का. एंड डांस फॉलो करना है, आई मीन इट कीप्स चेंजिंग यार. कभी आप माइकल जैक्सन के फ़ैन रह चुके हो, कभी MC हैमर के, कभी आप गोविंदा के फ़ैन बन जाते हो. आजकल मैं टाइगर श्रॉफ का फ़ैन बन चुका हूँ. मुझे टाइगर श्रॉफ जैसे डांस करना है, उसकी जैसी बॉडी चाहिए, उसके जैसे स्टंट्स करना है. फिर बागी हिट हो जाएगी, फिर वो देखेंगे. थैंक यू. ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस.